हम एक बड़ा आंकड़ा आज आपके सामने रखने वाले हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे का। 2019 के चुनावी घमासान का नतीजा आने में सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया है। परसों 23 मई को सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन नतीजों की आहट एग्जिट पोल से मिलने लगी है। न्यूज 18 इप्सोस के एग्जिट पोल में यूपीए को 82, एनडीए को 336 और अन्य को 113 सीट मिलने का अनुमान है। एनडीए की जिस जीत के आसार बताए जा रहे हैं वो देश के हर समुदाय के समर्थन के बिना आप खुद सोचिए मुमकिन नहीं हो सकता, वरना 300 पार कैसे होगा। क्योंकि बीते 5 साल में विपक्ष मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता रहा है, इसीलिए न्यूज 18 इप्सोस के एग्जिट पोल में मुसलमान क्या कह रहे हैं, इस देश का मुस्लिम तबका क्या कह रहा है, ये जानना हम सब के लिए वाकई में कौतूहल का विषय था। हमने जब एनडीए और बीजेपी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं के मिजाज को पढ़ा तो यकीन मानिए चौंकाने वाले नतीजे आए। आंकड़े ऐसे हैं जिनसे साफ होता है कि मोदी सरकार पर हिंदू समर्थक और मुस्लिम विरोधी होने का आरोप मतदाताओं के गले पूरी तरह से नहीं उतर पाया है। आलम यह है कि मुस्लिम मतदाताओं के हर तबके का समर्थन मोदी सरकार को इस चुनावी घमासान में मिला। लेकिन ये दिलचस्प आंकड़ा क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, और उससे पहले कुछ अहम सवाल जो आज हम रखेंगे आपके सामने। हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या मोदी के दौर में बीजेपी मुसलमानों के लिए अछूत नहीं रही। दूसरा सवाल, क्या मुसलमान मुख्य धारा में आने के लिए मोदी का समर्थन कर रहे हैं। और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के पिछड़ने की एक बड़ी वजह मुसलमानों का कांग्रेस पर टूटता भरोसा है। इन सवालों पर आज बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, जनता के भी सवाल, लेकिन उससे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। प्रधानमंत्री के जो विचार है उनके साथ भी चल रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे।